गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जब भी मैं राइस रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ तब बहुत सारे फ्रेंड्स राइस कैसे बनाया वो पूछते हैं, क्योंकि मैं हर टाइम डायरेक्ट कुकर में बनाती हूँ और फिर भी चावल खिले खिले बनते हैं। तो आज मैं परफेक्ट रेशियो के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके चावल भी उतने ही पानी में हो जाएगा, क्योंकि चावल की क्वालिटी भी मैटर करती है। तो आप अपने चावल के हिसाब से भी पानी ऐड कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब आपके साथ रेसिपी शेयर की थी तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि इतने से पानी में थोड़ी चावल होता है, इतनी सिटी की थोड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ और मेरे चावल ऐसे ही बनते हैं। तो मसाला राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं, और ये कोई ब्रांडेड चावल नहीं है, ये लूज़ वाले चावल है जो हमारे यहाँ मिलते हैं। तो इससे राइस बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं। अब चावल को हम 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को 2 बार धो लिया है। अब उसी के साथ हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अब कुकर में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो उसमें हम चावल का पतीला रख देंगे। अब इसे मध्यम आंच पर 4 विसल होने तक पका लेंगे, क्योंकि अब लौकी की मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गर्म करने के लिए रखा है। तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई जीरा डाल देंगे, राई चटक जाए तो इसमें हींग डाल देंगे, और इसमें बड़े टुकड़ों में कट की हुई लौकी भी ऐड करेंगे, टमाटर भी ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसे चलाते हुए कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से भून जाए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 2 से 3 विसल होने तक इसे पका लेंगे। और सब्जी पक रही है तब तक हम राइस को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे चावल बहुत ही अच्छे से खिले खिले बने हैं। अब उसी कुकर में हम मसाला चावल भी बना लेंगे। तो तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम मिर्ची को फ्राई करेंगे, और ये वाली मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती तो खाने में मज़ा आता है। राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम जीरा का तड़का देंगे, अदरक मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी सी हींग। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। आज जो चावल बनने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, और सिंपल मसालों के साथ ही हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, और हम इसको पूरी तरह से नहीं पकाएंगे क्योंकि इसका क्रंच राइस में अच्छा लगता है। अब उसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे राइस स्पाइसी नहीं बनेंगे लेकिन कलर में बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब उसी के साथ हम पके हुए चावल ऐड करेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे चावल बहुत ही खिले खिले अच्छे बने हैं। तो आज इसमें ना गरम मसाला है, ना पुलाव मसाला और ना नूडल्स मसाला, फिर भी ये चावल सिंपल जितने हैं उतने ही खाने में टेस्टी है। तो यहाँ पर हमारे राइस रेडी है, और सबसे आखिर में थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा झटपट बनने वाला मसाला राइस रेडी है। तो कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है, तो हम सब्जी को भी चेक कर लेंगे। तो लौकी अच्छे से पक गई है। अब उसी के साथ हम भरवा मसाला ऐड करेंगे, और रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो, उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्जी में थोड़ा सा मीठा टेस्ट पसंद हो तो आप यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हो। अब गैस चालू करेंगे और सब्जी को 1 से 2 उबाल आने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी है। अब सबसे आखिर में हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी और राइस रेडी है। अब हम रोटी भी बना लेंगे, और रोटी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। हमने जो मिर्ची फ्राई की है उसी के साथ हम धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी
और नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमारी मिर्ची भी रेडी है। और रोटी को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ये है रोटी और ये है मिर्ची और ये है सिंपल लेकिन टेस्टी राइस और ये है मज़ेदार लौकी की सब्जी और ये है ज्वार रागी का चिवड़ा, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।